दोस्तों काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं नवी भर्ती ते पुरानी भर्ती के विचकार। दोस्तों इस वीडियो में सारे थोड़े डाउट क्लीयर कर देंगे, जोड़े भी सवाल थोड़े मन में है वो सारे क्लीयर हो जाएंगे। जे क्लीयर हो गए तो चैनल में सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक जरूर कर दियो। तो चलो जल्दी ना हूँ थोड़े आप सवाल देख लें, जोड़े भी कमेंट्स मेरे को आते हैं या परसनल इंस्टाग्राम से मैसेज आते हैं उन्होंने बारे मैं तुम्हें क्लीयर कर दिना। सब तो पहले इतने कमेंट की आया हुआ अवि चौहान पंजाब व्लॉगर का कमेंट इतने आया हुआ, तो आप इस लाइक कर लें। तो इन्हों का कमेंट किया है भर्ती ओपन कदों होने वाली है। दोस्तों अपने भगवंत मान जी सीएम जी ने कहता कि एक महीने के अंदर अंदर ही भर्ती अनाउंसमेंट हो जाएगी। ओवरऑल तुम्हें तो एक आइडिया दसा अप्रैल दे लास्ट तक जी कि मतलब कि 20 तो लैके 30 तरीक के विचकार विचकार यह भर्ती भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस अलावा नैक्सट कमेंट जो राजवीर मट्टू ये मेरा फ्रेंड ही है वैसे, तो इन्होंने नाइस ब्रदर लिखा हुआ, इन्हें भी क्योंकि अप्लाई किया हेडको एस आई सब इंस्पैक्टर द एग्जाम की, तो वह तुम्हें पता ही है वह रद्द हो चुका है। इस बाद गल करिए नैक्सट कमेंट की, सरदारी फोरएवर का कमेंट है सर भारी आ गई है, मतलब कि कहने का भाव इन्हों दे है कि भर्ती आ गई है जी। देखो दोस्तों अप्रैल के लास्ट तक शोर है ये भर्ती आ जाएगी। इस बाद नैक्सट कमेंट की गल करिए रोहित चंदपुरी का जो कमेंट है, हेड कॉन्सटेबल का रिजल्ट कदों आना। देखो दोस्तों यह सवाल बिल्कुल सही पूछा, हेड कॉन्सटेबल का रिजल्ट कदों आना। दोस्तों हम तुम्हें तो सारे पता है सब इंस्पैक्टर का एग्जाम भी रद्द हो गया, आईए कॉन्सटेबल का एग्जाम भी रद्द हो गया, हूँ 90% चांस ने हेड कॉन्सटेबल का एग्जाम भी कैंसल होगा। तो इसकी भर्ती नवी भर्ती ऐड करके वैकेंसीज जी हो नवी भर्ती ऐड करके होर इनक्रीज़ कर देंगे, जोड़े भी वैकेंसीज के नंबर ने ज़्यादा पोस्टा बना देंगे इस दिन, तो 31 अप्रैल में ही रिलीज़ कर देंगे। करके इस दे रिजल्ट की वेट ना करो, अपने एग्जाम की तैयारी में कंटिन्यूज रखो एंड नैक्सट जो एग्जाम आएगा वह क्वालीफाई जरूर करो। इस बाद नैक्सट कमेंट की गल करिए, जे बच्चे पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल का फाइनल मैरिटरी ओके समझ गया 24 मार्च में सीएम ऑफिस पहुंचो, ये कहना चाहते हैं अर्श अर्श जी का कमेंट बढ़िया, मतलब कि बढ़िया लिखा इन्होंने, जाना भी चाहिए अपना हक की डिमांड करने वास्ते, बट सिर्फ कॉन्सटेबल का एग्जाम वास्ते यह जी मीटिंग बुलाई गई सी 24 मार्च में, तो अपने सीएम तक यह गल ऑलरेडी पहुँच चुकी है। काफ़ी बच्चे जाके आए हैं सीएम मिल के आए हैं, तो कॉन्सटेबल की भर्ती बारे पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे के आए हैं। इस अलावा अपना एक चैनल है प्राइम न्यूज़ एशिया, इस तरह का कोई चैनल है अपने यूट्यूब पर भी सर्च मारे, उन्होंने भी यह जो पूरी एग्जाम के रिलेटिड है यह खबर चकी है और सीएम सर तक पहुँचा दी है। तो कॉन्सटेबल की भर्ती दे रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रखो, इन्हों का ज्वाइनिंग लैटर आऊगा और अप्रैल में होर जी भर्ती आएगी कॉन्सटेबल की, ठीक है, क्योंकि हाले तक कोई न्यूज़ नहीं आई, किसी ने नहीं कहा कि यह रद्द हो गई है। जिहड़े बच्चे ने एग्जाम क्वालीफाई किया कॉन्सटेबल का तो अपनी ट्रायल दे के आए हैं, ट्रायल क्वालीफाई किया, बस उन्होंने की है जॉइनिंग लैटर है, इस एक सिग्नेचर की जरूरत है, सिर्फ एक सिग्नेचर होगा उन्होंने जॉइनिंग लैटर अपॉइंट हो जाएंगे। तो टेंशन ना लो, कॉन्सटेबल की जी भर्ती है वह सिरे चढ़ेगी और जॉइनिंग लैटर भी सून आप कह दें जल्दी तो जल्दी महीना 1.5 महीना मान के चलो इस दे अंदर अंदर तुम्हें जॉइनिंग लैटर प्रोवाइड हो जाएंगे। उस बाद नैक्सट कमेंट की गल करिए, सर एज लिमिट कितनी होएगी प्लीज सप्लाई, तो एज लिमिट दोस्तों 18 से 28 साल ही रहनी है इस बार भी। इस तो बाद नैक्सट कमेंट की गल करिए, तो 18 से 28 साल जनरल कैटेगरी वास्ते एस सी एस टी 5 से 3 साल की एक्सट्रा छूट मिल जाती है। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए, परविंदर सिंह का कमेंट है, तो यह पूछना चाहते हैं कि यह जी भर्ती आएगी नवी भर्ती सिर्फ उन्होंने वास्ते ही आएगी जिड़े जिन्होंने पहला अप्लाई किया होया, नहीं दोस्तों उन्होंने वास्ते भी है, तो जिहड़े नवे भर्ती आने नवी अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते भी है। इस तो बाद गल करिए नैक्सट कमेंट है परविंदर सिंह का ही कमेंट है, ऑनलाइन अप्लाई मोड कदों खुलेगा, तो दोस्तों मैं तुम्हें ऑलरेडी दस चुका है कि अप्रैल के लास्ट तक यह भर्ती अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस तो बाद बबलदीप का कमेंट है, सर फस्ट टाइम भर्ती देखनी है 12th पास पंजाब पुलिस की कि भर्ती देख सकता है, तो दस दौ कि 12 वालू जॉब का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखो 12th पास कैंडीडेट विद पंजाबी सब्जैक्ट हो, तुम जिन्नी मर्जी परसेंट आए हैं थोड़े 12वीं तो तुम कॉन्सटेबल वास्ते अप्लाई कर सकते हो। तो हूँ यह पेपर किमें क्लीयर होगा, अप्लाई तो तुम कर दोगे 12वीं पास हो, पेपर क्लीयर किमें होंगे एग्जाम 2-3 घंटे डेली दे के एग्जाम की तैयारी में 2 टाइम दो एंड सब तो पहला स्टैप की है बुक्स बाय करो, बुक्स का लिंक भी मैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन दे दिता है, बेस्ट बुक है वह बाय कर लो, नोट्स बनाओ आपदे, तो ऑनलाइन काफ़ी वधिया वधिया चैनल ने अपने चैनल पर भी काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी जी कॉन्सटेबल एग्जाम के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा दी गई है, दोनों तो उन्होंने विजिट करो एंड नोट्स जरूर बनाओ।
इस तो बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी इस तो बाद कमेंट सिंह साहब का कमेंट है, लाइक कर लेनी है। रीजनिंग दे किन्ने टॉपिक होंगे ने दोस्तों, रीजनिंग दे 9 to 10 टॉपिक हो जाते हैं, घट बद हो जाती है। तो इस रिगार्डिंग मैं प्रोपर वीडियो बना दी है, मतलब कि कि सिलेबस में कि टॉपिक रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, वह मैं इस वीडियो के एंड में तुम्हें दे देंगे, जाके विजिट कर लो। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी कमेंट जिहड़ा गप्पू भाई का जिहड़ा कमेंट है, थैंक यू सर, तो आप भी इन थैंक यू कह दें। ओके दोस्तों, उम्मीद है तुहाडे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में क्लीयर हो गए होने, तो हुण डाउट ना रखो, नवी भर्ती पुरानी भर्ती विच तुसीं अपने एग्जाम से फोकस रखो, कोई ना कोई भर्ती का क्लीयर हो ही जाएगी जे रैगूलरली ही एग्जाम की तैयारी करते रहोगे।